तुम्हें अब सच में सो जाना चाहिए। बस 2 मिनट और ट्वाइलाइट, मैं कहानी के ऐसे हिस्से पर पहुंचा हूं जहां मेनियक के बारे में मुझे बार पोनीज की जानी दुश्मन, वो एक ताकत के नशे में चूर हेयर प्रोडक्ट कंपनी की मालकिन हुआ करती थी। मेट्रोपोलिस में उसकी शैम्पू फैक्ट्री में एक हादसे के बाद ना सिर्फ उसके बालों को अजीब सी शक्ति मिली बल्कि साथ ही वो हो गई बहुत ही अजीब। वो और उसकी साथी पोनीज मेट्रोपोलिस म्यूजियम में घुसकर इलेक्ट्रोमोप चुराने की फिराक में है ताकि वो अपनी दुनिया को खत्म करने वाली डिवाइस को ताकत दे सके। बेशक मेनियक को इसके बारे में पता नहीं होता अगर हमड्रम ने उसे सब कुछ बताया ही नहीं होता। हमड्रम? हाँ, नीले जूतों और बेकार लाल कैप वाला पार पोनीज का सीधा साधा और बेकार साथी। पार पोनीज को मेनियक को रोकना होगा इससे पहले कि वो मेट्रोपोलिस का सफाया कर दे। यकीन करो स्पाइक, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि किसी अच्छी किताब में उलझना कैसा होता है। पर अगर हमें कल सुबह लूना और सेलेस्टिया के पुराने महल की मरम्मत का काम करना है तो वो काम हमें अच्छे से करना होगा। थक जाएंगे तो कैसे काम करेगा हमारा हाथ या पंजा। ठीक है, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। बस 2 मिनट और। यस। माय लिटिल पोनी। सोचती थी क्या ही ये दोस्ती। सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती। एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही। अच्छी लग रही हो पोनीज, इस मैजिकल मेकओवर को जारी रखते हैं। बिल्कुल प्यारा स्पाइक अपना काम करने के लिए हाजिर है। थोड़ा सा लेफ्ट, नहीं दूसरा वाला लेफ्ट। ऑसम, ये बिल्कुल परफेक्ट है अगली पेंटिंग के पास। क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, सब ठीक है। हमने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। डैश, मैं ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ ट्वाइलाइट? चिंता मत करो स्पाइक, सब कुछ काबू में है। मेरे ख्याल से वो सही कह रही है, लगता है हमने सब संभाल लिया है। तुम कोई शांत सी जगह ढूंढकर अपनी कॉमिक क्यों नहीं पढ़ते स्पाइक? तुम उस हिस्से में थे ना जब हम ड्रम विलेन को बस रोकने ही वाला था। हम ड्रम कभी किसी विलेन को नहीं रोकता, वो बस हंसी मजाक के लिए है। रेलिटी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या मैं करूँ? कोई बात नहीं स्पाइक। पोनी पावर, वीही। मेनियक म्यूजियम में घुस जाती है। ओके, ये लो। अच्छा सरप्राइज है, हम ड्रम फिर से पार पोनीज के काम के रास्ते में आ गया है। शायद मैं जानता हूँ उसे कैसा लगता होगा। रुको, क्या ये कहानी का अंत कैसे हो सकता है? वो क्या था? तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, तुम लौट सकते हो। ये क्या? जब मैं पिछले बार यहाँ आया था तो मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा था। स्पाइक, तुम कहाँ हो स्पाइक? हम चाय और बिस्किट्स के लिए ब्रेक ले रहे हैं। तुम उस जगह वापस पहुंच सकते हो जहां से तुमने शुरुआत की थी पर मेनियक को हराने के बाद। हैं? ध्यान से देखो, इस किताब के रोमांच में शामिल। इसका क्या मतलब है? ओह वाओ, ये तुम क्या? बचाओ! स्पाइक!
ये मेट्रोपोलिस है। क्या कोई पोनी मुझे बताएगी कि ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे नए रूप शानदार है पोनीज। तुम हो मास्ट मैटरहॉर्न, फिली सेकंड, ज़ैप, रेडियंस, मिस्ट्रेस मैरवलस, सैडल रेजर। तुम सब पहाड़ पोनीज हो। पोनीज, कितना अच्छा हुआ जो तुम आ गई। क्या उसने अभी अभी हमें पाव पोनीज बुलाया? तुम सब सुपर हीरोज हो मेरी कॉमिक बुक से। हम उस बुक से यहाँ आ गए। तो कोई पोनी हमें इसमें से बाहर निकालो। मेरी कॉमिक बुक, उसमें लिखा था अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो मेनियाक को हराना होगा, तुम्हारी जानी दुश्मन। वक्त है मेन इवेंट का। पिंकी, वो कहाँ चली गई? अब तक तो वो यहाँ से मीलों दूर पहुँच गई होगी। पिंकी फीली सेकंड है, मेट्रोपोलिस की सबसे तेज पोनी। ट्वाइलाइट, उसके बालों को जमा दो। क्या करूं? तुम मास्ट मैटरहॉर्न हो, तुम अपने सींग से कई तरह की बीम निकाल सकती हो। पता है तुम्हें, मुझे इसमें मजा आने लगा है। डैश, जल्दी, तुम ज़ैप हो, तुम कुदरत की ताकत को कंट्रोल कर सकती हो। लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करो। बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला तजुर्बा था, पर अब मैं चलती हूँ। और तुम्हारा शुक्रिया हम ड्रॉम। मैं हम ड्रॉम हूँ? ओह नहीं। तुम्हें इस टॉर्नाडो को शहर को बर्बाद करने से पहले रोकना होगा। मैं कितना भी हिलने की कोशिश करूं, ये रस्सी और टाइट होती जा रही है। तुम इससे जुड़ी हुई हो, तुम इसे आदेश दो और ये तुम्हारी बात मानेगी। मुझे ठीक से समझने दो, क्या हम किसी तरह की कॉमिक बुक वाली दुनिया में आ गए हैं? टेक्निकली ये मेट्रोपोलिस है
और अगर हमें वापस पोनीवेल पहुंचना है तो हमें मेनियक और उसकी डिवाइस को शहर बर्बाद करने से रोकना होगा। कोई बड़ी बात नहीं, मैं पहले ही औसम थी और अब तो मेरे पास पावर्स भी हैं। तुम सबके पास सुपर पावर्स है। तुम्हारे पास भी पावर्स होनी चाहिए स्पाइकी, तुमने तो केप भी पहना है। हाँ, बिना किसी वजह के वो किसी काम का नहीं है। फिर तो अच्छा ही है तुम हमड्रम नहीं हो। हाँ अच्छा है। हम सबको मिलकर उस मेनियाक को मजा चखाना है और फिर हम पोनीवेल पहुँच जाएंगे। स्पाइक, मेनियाक अपनी डोमस्टे डिवाइस कहाँ बना रही है? अपने टॉप सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में, पर तुम्हें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। वो ऑर्ब से अपने डिवाइस को और ताकतवर बनाने वाली है। हमें रास्ता दिखाओ स्पाइक, और फिर सब कुछ हम पर छोड़ दो। वो रहा वहाँ। क्या वो किसी तरह की शैम्पू फैक्ट्री है? ठीक है, तो पावर पोनीज, ये रहा हमारा प्लान। रेरिटी, तुम बाहर निकलो मेनियाक, नहीं तो पावर पोनीज अंदर आ रहे हैं। पूरा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। शायद मुझे यही रुककर कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो घर पर है, हमें बाद में आना चाहिए। वो घर पर ही है। वक्त है पावर पोनी आपका। क्या लाइन है। फ्रीज रे। ये कोशिश पहले से बेहतर थी। मुझे काम की एक्सेसरीज बहुत पसंद है। मेरे बाल! सच में तुम्हें इस वक्त जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? अच्छा काम किया पावर पोनीज, अब चलो मेनियाक को सबक सिखाते हैं और घर चलते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे एक शहर को बर्बाद करना है और मैं पावर पोनीज को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। इस बार नहीं, हरगिज नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बर्बादी का है स्प्रे रे, ये तुम्हें रोककर तुम्हारी ताकत को बर्बाद कर देगा। इसे हम संभालते हैं। फ्लटरशाय, प्लीज बस थोड़ा सा गुस्सा। Well, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे चिंता हो रही है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। स्प्रे मत करना। ओह हमड्रम, एक बात बताओ, मैं स्प्रे का इस्तेमाल तुम पर क्यों करूं? आखिर क्यों? इससे क्या हासिल होगा, है ना? छोड़ दो हमें। अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी काम का नहीं हूं, इसलिए तो मेरे दोस्तों को किसी भी जरूरी काम के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ती। सारे सुपर पास तो उन्हीं के पास हैं। उन्होंने बचने का रास्ता सोचा होगा। या फिर नहीं। मुबारक हो पावर पोनीज, तुम मुझे इस बर्बादी के हथियार को इस्तेमाल करते हुए देख पाने तक जिंदा रहोगी। तुम्हारी बर्बादी का हथियार।
बस एक बार इलेक्ट्रो ऑर्ब इसे पूरी तरह से चार्ज कर दे। इस तोप की मदद से मेरे बालों की ताकत लाख गुना बढ़ जाएगी, समझे? लाख गुना। और उससे एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट निकलेगा जिसकी वजह से मेट्रोपोलिस की हर एक पोनी पागल हो जाएगी। तुम मेरे इस हथियार को टेस्ट करने वाली पहली पोनीज होगी और कोई भी पोनी तुम्हें नहीं बचा सकती। मैं तुम्हें बीच में टोकना तो नहीं चाहती, पर क्या तुम किसी पोनी को भूल नहीं रही हो? हम ड्रम, वो छुटकू जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। प्लीज, सब लोग जानते हैं कि तुम उसे इसलिए साथ रखती हो क्योंकि तुम्हें उस पर दया आती है। शायद तुम्हारी दुनिया में, पर हमारी दुनिया में स्पाइक, मेरा मतलब हमड्रम, हमेशा हमारी मदद के लिए आता है, हमेशा। हाँ, तुमने सही कहा ट्वाइलाइट, मैं हमड्रम की तरह नहीं हूँ। जब मेरे दोस्तों को मेरी मदद की जरूरत होती है, मैं उनके साथ होता हूँ। ओ हमड्रम, तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुम कितनी मदद कर सकते हो अपने दोस्तों की। आज रात हम सब अमर हो जाएंगे क्योंकि हम सब ने मिलकर, खासकर मैंने, आखिरकार हमारे जानी दुश्मनों को हरा दिया है। हमने बुराई के इस चेहरे को अच्छाई के चेहरे पर चढ़ा दिया है और अत्याचार के मुंह पर आजादी का जोरदार घूसा जड़ दिया है और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे स्पाइक। आपको गुस्सा दिलाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी बारी। वहाँ उस तरफ, बेवकूफो। मुझे इन लोगों को रखने के लिए एक जगह चाहिए। बस वहीं रुक जाओ पार्टनर। फ्लटरशाई, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तुमने सब कुछ संभाल लिया है। फ्लटरशाई, तुम नहीं जा सकती, हमारी मदद करो। मुझे माफ करना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। ओह गुडनेस, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरा मतलब, मैं जानती हूँ कि तुम बुरी हो वगैरह, पर तुम एक नन्ही सी प्यारी सी फायरफ्लाई को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, समझी? तुम एक बहुत बुरी जानवर हो। लो, मैंने कह दिया। तुम अपने आप को स्पेशल समझती हो? क्या किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम मुझे तो मुझसे लड़कर दिखो। मेरे बाल।
मेरे बाल। देखा कैसे मैंने इंसाफ के तूफान की बारिश करवा दी? क्या तुमने देखा मैं उस रस्सी को कैसे चला रही थी? कपकेक्स? तुमने ये कैसा? हमारे पास उस कॉमिक बुक से बाहर निकलने से पहले आधा सेकंड था और मेट्रोपोलिस बेकरी सिर्फ 65 ब्लॉक्स दूर ही थी। मुझे खुशी है कि हम सब वापस लौटे। हम ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाते स्पाइक। अब तुम समझ गए होगे कि अगर हमें हमेशा तुम्हारी जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। और सुपर फ्रेंड बनने के लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं है। पर मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है, तुम्हें वो कॉमिक बुक मिली कहाँ से थी स्पाइक? मैंने कैंटलॉट में जादुई दुकान से खरीदी थी। वेल, मुझे पता नहीं था कि ये सच में जादुई होती है। मुझे लगा था उनकी कॉमिक्स में कई जादुई कहानियाँ होंगी